हेलो गाइस, वेलकम इन टू आवर क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उस पे कौन कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, क्योंकि जो भी आपके एग्जाम होते हैं उसमें अगर जीएस आती है तो उसमें कई बार जो आर्टिकल्स डायरेक्ट पूछ देता है कि कौन सा अनुच्छेद है, जैसे हमारा राष्ट्रपति का इलेक्शन का अनुच्छेद कौन सा है, या हम कहते हैं कि जो हमारे मूल अधिकार का अनुच्छेद कौन सा। तो इस टाइप के डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आर्टिकल, और एसएससी में तो एक दो क्वेश्चन आर्टिकल से मिलना ही मिलना है। तो चलिए आज गाइस हम कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ले लेते हैं, क्योंकि इतने सारे आर्टिकल्स हैं तो याद कर पाना वो एक टफ काम होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें आर्टिकल्स में कंफ्यूजन होने लगता है। तो उन सबके लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पे देखते हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक आर्टिकल अनुच्छेद पहला, जिस आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं, अनुच्छेद पहला कि भारत राज्यों का संघ है। तो अगर ये क्वेश्चन है कि भारत राज्यों का संघ कौन से अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद फर्स्ट में है। अनुच्छेद दो में क्या है कि संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद तीन में क्या है, संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। इसमें देखिए नोट है कि इससे संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किए जाएगा, अन्यथा नहीं। तो अनुच्छेद तीसरे में जो आर्टिकल है उसको राष्ट्रपति के द्वारा ही पहले सिफारिश करना पड़ेगा, तभी वो हमारी संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद चार में के अनुच्छेद दो अथवा अनुच्छेद तीन के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। ये अनुच्छेद 4 में है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ कह रहे कि अनुच्छेद 11 में कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 12 में कह रहे कि भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया, यानी कि अगर राज्य की जो परिभाषा वो अनुच्छेद 12 में है, इसी परिभाषा को भाग 4 के लिए भी लागू किया गया है। अनुच्छेद 13 है, यह मूल अधिकारों का रक्षा कवच है, इसके द्वारा न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है। इसके अंतर्गत न्यायालय ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत है। न्यायालय की यह शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहलाती है। ये हमारे अनुच्छेद 13 में है। अनुच्छेद 14 की बात करें तो भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण प्रदान है। अनुच्छेद 15 में कि राज्य को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन स्थान के आधार पर विभेद करने से रोकता है। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता होगी, अपवाद है ओबीसी एससी एसटी। अनुच्छेद 17 है कि अस्पर्शता का अंत। अनुच्छेद 18 में कि उपाधियों का अंत सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। आगे अनुच्छेद 19A में आते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में कौन सा आर्टिकल है, तो 19A है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार व बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में 14 से कम आयु के बच्चे को कारखानों, खानों या किसी जोखिम भरे कार्य में नियुक्ति नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 25 है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है तथा उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अनुच्छेद 32 का कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नोट, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 40 में कि ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 55 में है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं। अनुच्छेद 60 में कि राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अतिक्रमण पर
उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ये हमारा आर्टिकल 61 है, महाभियोग के लिए आर्टिकल कौन सा, 61। आगे बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान है। अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी, राष्ट्रपति द्वारा क्या महान्यायवादी जिसे हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 78 में कह रहा है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय और प्रशासन संबंधी उस सभी मामलों में सूचना दे जिसके बारे में राष्ट्रपति द्वारा सूचना मांगी जाए। अनुच्छेद 80 में कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों की मनोनीति, यानी जो हमारे राज्यसभा में वो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 108 में कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत या आमंत्रित कर सकता है, आहूत को ही आमंत्रित कहते हैं। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक, इसको इसमें परिभाषित किया गया है। धन विधेयक का अगर आर्टिकल कहें तो वो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 110 है। अनुच्छेद 111 इसके तहत राष्ट्रपति जेबी यानी जेबी को बोलते हैं पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग करता है। तो पॉकेट वीटो का आर्टिकल है 111 जिसे अनुच्छेद 111 कहेंगे। अनुच्छेद 112 में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाएगा। अनुच्छेद 123 में कि संसद के अवकाश के समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है, परंतु वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 213 राज्य विधायिका के सत्र में न होने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ये स्टेट राज्य के लिए है कि राज्य में हमारा गवर्नर होता है, गवर्नर अध्यादेश जारी कर सकता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 214 सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालयों के परामर्श से की जाएगी। अनुच्छेद 243 के फर्स्ट में राज्य वित्त आयोग की स्थापना। अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग की स्थापना। अनुच्छेद 300 का में संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 326 में लोकसभा व विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 331 में कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में अंग भारतीय समुदाय के दो व्यक्ति का मनोनयन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट आर्टिकल में आते हैं। यहाँ पे कि अनुच्छेद 333 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का विधानसभा में मनोनयन। अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी हिंदी वो आधिकारिक भाषा है, ना कि हमारी नेशनल लैंग्वेज। अनुच्छेद 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। अनुच्छेद 351 हिंदी को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति आपात और अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। ये बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 370 जम्मू तथा कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा। ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस टाइप की अगर आपको और किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे कमेंट करिए कि आपको जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, तो हम प्रयास करेंगे उस टॉपिक से जल्द आपको बेस्ट से बेस्ट जो मैटर हो प्रोवाइड करने का। और इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए। और आप गाइस ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट जरूर बताएं, क्योंकि अगर जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट करते हैं उससे हमें अपनी जो हम मटेरियल स्टडी मटेरियल से वीडियोस आपको प्रोवाइड करते हैं उसके लेवल के मालूम चलता है कि वो आपके लिए कितना बेनिफिट साबित हो रहा है। तो आप कमेंट करना ना भूलें और इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।